हम रेडी अब सेकंड राउंड लगाने के लिए, सारा सामान भर लिया है, चलो। ये है गाइस कमरा, फिर लेके चलते हैं घर। हो गया। हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस आज का कुछ ऐसा सीन है, आज हम करने वाले थे चैलेंज पूरी फैमिली मिलके, बट आज चाचा चाची को ये अपना कमरा शिफ्ट करना पड़ रहा है, जिस वजह से हमने चैलेंज का प्लान करा ड्रॉप। आज मंगलवार है और मम्मी चाचा चाची तीनों की आज मंगलवार के दिन ही छुट्टी रहती है, तीनों एक ही सोसाइटी में करते हैं आपको पता है, तो आज मंगलवार को छुट्टी रहती है। तो आपने दो तीन दिन पहले मतलब पिछले ब्लॉग में देखा था और कमरे भी देख रहे थे चाचा चाची, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है, उस वजह से पानी पीने की बहुत सी दिक्कत है यहाँ पर गाइस, इस वजह से खाली करना पड़ रहा है। तो आज चाचा चाची ने कमरा फाइनल कर लिया है और अब सामान लेके जाना है वहाँ पर, ये भी फाइनल हो चुका है। तो मैं आपको आज कमरा भी दिखाऊंगा कौन सा चाचा चाची ने देखा, और साथ में करवाते हैं खाली, और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि शिफ्टिंग करवानी तो साथ में मिलके ही करवानी होगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ रेडी लेने, हमारी रेडी है सबसे बेस्ट चीज़ गाइस। पहले हम जब रूम खाली करते तो बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि हम पे रेडी थी नहीं, लेकिन अब हमने दुकान खोली रेडी ली तो रेडी काम आएगी आज हमारे। तो अभी लेने जा रहा हूँ मैं रेडी, है ना। दोस्त है ऊपर से चाबी लेकर आ गया था, आज कई दिन बाद रेडी वहाँ से हिलेगी जब से हमने दुकान बंद करी, रेडी वहीं बंद है। तो आओ चलते हैं रेडी के पास। गाइस यहाँ खड़ी है हमारी रेडी इतनी सारी गायों के बीच, ये रही, और किसी ने इस पर कुछ सामान रख रखा है अपना। गाइस खोल लिया है ताला और देखो टायर भी कूड़े के बीच में दब गया है, निकालते हैं। इधर वाले में भी नहीं है, हाँ बहुत दिनों से खड़ा है ना। चलो तो पहले हवाई भरवाओ। तो ले चलो इस तरफ, सामने ही है दुकान, तो अभी लेके जा रहे हैं इसे हवा भरवाने के लिए क्योंकि इसमें हवा नहीं है, कई दिनों से खड़ी थी ना, तो वहीं ले जा रहे हैं, सामने ही दुकान है। गाइस ले आए हैं, गाइस भर लिया हवा दोनों टायरों में, अब ये लास्ट है, फिर लेके चलते हैं घर। हो गया। ओ भाई वाह, हवा तो मैंने इसमें ज्यादा भरी थी, दो तीन सेकंड के लिए लगाया इसमें तो। गर्मी गाइस टायर ही फट गया, पहिया ही निकला है ना, नहीं वो तो फटके निकला बाहर, पहिया ही तो निकला है, ये अंदर की ट्यूब पहिया निकला है, ट्यूब भी निकल गई, वो है ट्यूब भी फट गई होगी। टायर यहाँ पर काम ही बिगड़ गया, आते ही अभी लगवा रहे हैं पंचर क्या, पूरे ट्यूब ही नया लगेगा, बहुत बुरी तरह ब्लास्ट हुआ और कैमरा चल रहा था उसमें रिकॉर्ड भी हो गया, और अब सामान ले जाना है तो पंचर करवाना ही होगा सही, तो अब ट्यूब चेंज कर रहे हैं। गाइस यहाँ से टायर भी फट गया है पूरा, अंदर से छोटे छोटे तार से निकल गए बाहर, तो अभी यहाँ मोची के पास आया हूँ सिलवाने, काम शुरू हो गया है टायर पे। फाइनली हो गया है, इसे बिल्कुल सही हो गया। चलो तो अब गिर रही है नई ट्यूब। गाइस फाइनली हो गया है ट्यूब का काम, नई ट्यूब चढ़ चुकी है, बाल बूटी भी देखो ये भी लग चुका है, तो अब लेके चलते हैं इसे घर, इतनी गर्मी में हम और बेकार हो गए, चाचा भी यहीं है। गाइस फाइनली अब हमने शुरू कर दिया सामान रखना, तो अभी ये बाहर का जो भी सामान है वो रेडी में रख रहे हैं, और जैसे ही सारा सामान रेडी में रख के हम ले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको घर दिखा दूंगा, जो कमरा लिया चाची चाचा ने वो वहाँ पर दिखा दूंगा। तो अभी रख रहे हैं सारा सामान। गाइस अभी ये बड़ा मंदिर मिला था, बहुत बढ़िया मंदिर है ये, तो अभी इसे रख रहे हैं रेडी में। क्या बढ़िया मंदिर है गाइस, बड़ा घर रहे ना तो उसमें लगेगा ना बहुत बढ़िया लगेगा, तो इसे हम संभाल के रखेंगे जब कभी बड़ा घर होगा, जब वहाँ अच्छे से लगाएंगे।
गाइस रख लिया है इतना सामान, हम अभी पहली राउंड में लेके जा रहे हैं। ठीक है मैं देख रहा हूँ, और घर ज़्यादा दूर नहीं है, वो वाली गली में। हाँ गाइस मैंने भी अभी तक कमरा देखा नहीं है, तो अभी मैं भी देख लूँगा और आपको भी दिखा दूँगा। अच्छा यही है, बड़ी पास है ये तो। ये है गाइस कमरा, यहाँ से एंट्री, ये कमरा, यहाँ टांड और यहाँ किचन। ये टॉयलेट सही मिल गया, बढ़िया, बिल्कुल जैसा चाहिए था, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है और मतलब सही है चाचा चाची के लिए। गाइस ये बहुत मुश्किलों से मिला है, बहुत मेहनत करनी पड़ी यहाँ और ढूंढना पड़ा, शहर में रहना कोई मायने की बात नहीं है। हाँ गाइस मतलब हम कई दिनों से ढूंढने में लग रहे थे, जैसा आपने देखा होगा दो तीन दिन पहले वाले ब्लॉग में भी, और कोई ये गाइस कहीं महंगा मिल रहा था, कहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल रहा था, और कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी, कहीं कुछ मतलब, और ये बिल्कुल परफेक्ट है चाचा चाची, एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, और पैसों के मामले भी सही, और पानी भी सब बढ़िया है ना। हाँ थोड़ा सही है, चलो देर मिला पर सही मिला देर में। तो गाइस अभी और सामान लेने जा रहे हैं, पर घर बिल्कुल परफेक्ट लगा, आप भी कमेंट्स में बताना कैसा लगा। आ गए गाइस वापस, अभी और सामान लेके जाएंगे। अरे बिल्कुल बढ़िया घर है चाची चाचों के लिए, बिल्कुल बढ़िया ढूंढा तुमने। अच्छा बढ़िया भैया, चाहे किराए का घर कितना भी खाली करो, ये करो, बहुत सारा। अरे तो मतलब सही है रहने के लिए, ज्यादा किराया भी नहीं, और हाँ बिल्कुल कलर विलर सब हो रहा है। गाइस हम रेडी अब सेकंड राउंड लगाने के लिए, सारा सामान भर लिया है, चलो जल्दी हो जाएगा, ज्यादा सामान नहीं है। पहुंच गए गाइस, और मम्मी भी आ गई है, नन्नू भी, अब सब लेके जाएंगे सामान। चलो तुम क्या ले रहे हो, पेटी उठा लोगे ना, चलो। रख दिया गाइस एक और बार सारा सामान, और यहाँ पर हवा भी अच्छी आ रही है। अरे आ जाएगा हवा भी यहाँ से अच्छी आ रही है, और साथ में ऊपर छत भी है, और यहाँ से बढ़िया हवा आ रही है। चलते हैं नीचे, हाँ ठंडा हो जाएगा। फाइनली गाइस सेकंड राउंड का भी सारा सामान रख दिया, गर्मी में तो बेकार हो गया। हाँ और यहाँ पर सारा बिखरा पड़ा है सामान, सब कुछ रख रहे हैं। थर्ड राउंड भी कंप्लीट हुआ गाइस, काफ़ी ज़्यादा सामान आ गया है, अभी रह गया है थोड़ा बहुत, और एक बड़ा रह गया है सामान, जिसे लाने में थोड़ी हालत ख़राब होगी, बाकी आधे से ज़्यादा सामान आ गया है। चलो गाइस अब लिया है हमने लंच ब्रेक, 2:30 हो गए हैं, खाना भी ना खाते हैं, थोड़ा आधा एक घंटे का आराम लेते हैं, फिर जितना भी सामान बचा है उन्हें सबको वहाँ पहुँचाते हैं। बस गाइस ये जो बड़ा है बहुत ज़्यादा इसमें वजन है, बस ये थोड़ा दिक्कत देगा ले जाने में, जब पापा भी हेल्प करा देंगे, चाचा मैं और पापा तीनों ले जाएंगे। तो अभी लंच खा लेते नहीं है, उसके बाद देंगे बाकी सामान। रिक्शा कैसे करेंगे, नहीं खड़ा रहने दो ना, नहीं ताला लगा के खड़ा कर। हाँ ताला लगा, तो गाइस बैठ गया हूँ खाना खाने, खाने में बनाया चावल और भेल दाल की सब्जी, तो खा लेता हूँ। तो गाइस भैया तो खाना खा रहा है, और यहाँ देखो बहुत तेज बारिश होने लगी, बहुत तेज, ये देखो दिख रहा है ना, बहुत तेज हो रही है, मस्त मौसम हो गया। चलो नीचे चलते।
कर लिया था आराम और खाना भी खा लिया था, अब दोबारा अपने काम में लग चुके हैं। सारा सामान एक बार चला जाएगा तो वहाँ पे शिफ्टिंग वहाँ पे सेटअप आराम से कर लेंगे, सारे सामान आराम से लगा लेंगे वहाँ। तो पहले ये सारा सामान पहुँचाते हैं वहाँ ताकि वहाँ पर अच्छे से सामान सेट कर सकें। पापा भी आ गए। पापा भी अब देखेंगे ये कमरा। लो थर्ड फ्लोर पे चढ़ते हुए हालत खराब, पापा की सांस फूल गई। सही है पापा, है ना। गाइस अभी छत देखना है और छत देखो क्या ही बढ़िया छत है गाइस। ओ भाई साहब, और मौसम भी इतना प्यारा हो रहा है ना, हवा मस्त चल रही है और मज़ा आएगा गाइस। पर बसंत पंचमी आएगी 26 जनवरी, पतंग यहीं आके उड़ाऊंगा मैं तो। और गाइस यहाँ पे रेलवे की पटरी है, यहाँ से रेलगाड़ी निकलती रहती है गाइस। वहाँ वो राम मंदिर भी है वहाँ, और यहाँ रेल की पटरी है, एकदम बढ़िया है गाइस। छत भी बढ़िया, हवा चल रही है ना पापा, हवा कितनी प्यारी चल रही है। तो तुम लोग कार भी डालेंगे आराम से रह सको। और क्या, बारिश फिर से शुरू हो गई। अभी हम घर आए थे और सामान रखा इतना, फिर बारिश शुरू हो गई तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं गाइस। मुझे अभी ये कैप मिली है जो कि सोसाइटी से मिली थी, कैसी लग रही है बताना, से पहन के फिर मैं बाहर जाया करूँगा अगर अच्छी लगी तो मुझ पर। बाकी आप बताओ कैसी लग रही है। तुम पहनो अब चाचा को। तो लो गाइस ये देखो गाइस, बताओ कौन बढ़िया लग रहा है, चाचा मैं या पापा। गाइज अभी बारिश कम हुई है तो अब फाइनली सबसे भारी और सबसे बड़ी चीज की बारी है जिसे लेके जाना है हमें। तो पापा मैं मम्मी हम सब लेके जाएंगे। गाइज रख दिया है फाइनली, चलो आ जाओ मम्मी। गाइस लेकर तो आ गया, अब लेके चलते हैं। ऊपर भी हाथ लगा। गाइस ये सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ऊपर चढ़ाना भारी भी है और बड़ा भी है, लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के चढ़ा ही लेंगे। चलो चलो फाइनली गाइस, ये चीज़ थी जिसके लिए हम थोड़ा दिमाग में टेंशन ले रहे थे कि टूट ना जा, कुछ स्क्रैच ना आ जाए, लेकिन चाचा पापा मैंने मिलके लेकर आ गए हैं, सही तरीके से इसे रख दिया है। अब बस थोड़ा बहुत सामान रह गया, एक दो सपोर्ट करा है और इसके पापा ने भी, तुम इसे लाइक जरूर करना। हाँ तो गाइस बस एक दो चक्कर रह गया है, उसका सारा सामान ओके हो जाएगा, फिर यहाँ पे आके सेट करेंगे सारा सामान। तो चलते हैं, बारिश आने पर भी पसीना पसीना हो गया। फाइनली गाइस सारा सामान आ गया, बल्ब भी लग गए हैं, कूलर भी आ गया और चाची भी आ गई है। अब सामान होएगा यहाँ सेट, और बच चुके हैं शाम के 6:43 और हम लगे थे 12:30 के आसपास, और 6:43 पर सारा सामान हमने यहाँ पहुँचा दिया है। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई, अब तो घर जाके नहाऊंगा, अब यहाँ पे सारा सामान सेट होएगा। तू तो नहा देगा मेरे, देखा अब तो मुझे बहुत काम।